अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाट एवर इट इज। आज हमारे साथ हैं, बताओ, श्रेयस हैं। श्रेयस क्या सिखाने वाले हो आज? सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, पक्का हाँ सिखाओगे? पक्का सिखाओ, जल्दी से फटाफट यहाँ पे, है ना, बताओ कैसे कैसे सीखते हैं और उसके बारे में जो कंसेप्ट है अच्छे सिखाओ, है ना। चलो सिखाओ। सिंपल इंटरेस्ट में तीन टर्म्स रहते हैं। प्रिंसिपल, रेट परसेंट यस, और टाइम। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट हमें बैंक्स में नजर आते हैं, जैसे कि आप लोन ले रहे हैं और बैंक बोलता है कि हमें एक्स परसेंट और चाहिए 2 साल 3 साल, ऐसे कितने भी साल में। अब वो आपके लोन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हैं। तो फिर पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2000 हमारा प्रिंसिपल, रेट परसेंट हमारा 3%, और टाइम दिया है हमें 2 साल। तो फिर हम लोग लिखेंगे ऐसे, अपॉन 100। ये क्या है, ये क्या लिख ये ऐसा ही निकालने के लिए हाँ होता तो है। लिखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो लिखो यार। सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? हाँ, इज इक्वल टू P पी आर T टी अपॉन 100, 100। वाह, जल्दी सिंप्लीफाई करके दिखा दो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ओके, फिर 20 × 3 होता है 60, हाँ, इंटू टू होता है 12 120। तो हमारा ऐसा ही है ठीक है, ऐसा ही सिंपल है, इंटरेस्ट। कैलकुलेशन सही किया आपने। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये क्या रुपए है, क्या है, किलोग्राम है, क्या ये है? रुपए है। अच्छा, पैसा लिया है तो पैसे ही रुपए है ना। ओके, तो फिर अमाउंट कितना होगा, क्या होता है अमाउंट, बताओ अमाउंट अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट रहता है SI+P, यानी कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो देने ही देना है, सिंपल फिर इंटरेस्ट में SI देना। होता है 2000+, ऐसा ही 2000 है, अब फिर फॉर्मूला पहले प्रिंसिपल। लिखा है, ऐसा ही पहले लिखा है तो ऐसा ही पहले लिखना चाहिए ना। हाँ, 120 प्लस, 2000 हाँ गुड, चलो अब तो आगे बढ़ो। ये हो जाएगा 2120, 0, अरे वाह, ये होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट हो गया। अच्छा बहुत सही, एक आध और एग्जाम्पल दे दो, कोई और एग्जाम्पल दे दो, है ना। चलो मैं दे देता हूँ एक, है ना, सिंपल सा, ठीक है, ये दे देता हूँ। जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। अमाउंट दे दिया आपको 4000 है, ठीक है, पी दे दिया 3500, रेट परसेंटेज आपको पता करना है और टाइम हो गया 3 ईयर। सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, क्लियर। और इसमें बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 ईयर में? सॉल्व करो जल्दी, डू फास्ट, दिमाग लगाओ। वेरी गुड, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बड़ा 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 लिखो बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड है, ठीक है, क्या हो गया ऐसा ही हमारा टाइम। 500 हो गया, वेरी गुड। इधर तो देखो थोड़ा, देख लो, है ना, हाँ ओके गुड, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिखा रहे हो बच्चा, सिखा दो सबको, है ना, सही जा रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, 3500
आर को फाइंड करना है, टाइम कितना है, 3/100। वेरी गुड, कट हो गया। तो आर कितना बचेगा, आर इक्वल टू 500। अच्छा बताओ, यही कैंसिल करेंगे? नहीं, पहले नहीं, कैसे करेंगे? इनको मल्टीप्लाई। सिर्फ आर लिख दे। हाँ हाँ बताओ, आर थोड़ा बड़ा लिखो। अच्छा हाँ, थोड़ा आर बड़ा इज इक्वल टू 500 डिवाइड अपॉन डिवाइड। 35 x 3, ओके वेरी गुड। तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर 500 अपॉन, मल्टीप्लाई की डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं सिखाया था, डिविजिबिलिटी रूल। हाँ हाँ तो देखो क्या कैसे डिविजिबल है। फाइव से हाँ तो कैंसिल करो ना फटाफट, 5 7 जा, हाँ 35 तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा। नंबर हाँ तो नीचे वाला वो रब कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, ये तो रुपए कितना आ गया, परसेंटेज बताओ। 100/ थ्री और 7 कहाँ गया, 7 खा गए, 7 × 3। हाँ गुड, आगे आगे बढ़ो। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, इज आर इज इक्वल इक्वल टू 100/21 21। ये क्या है, परसेंट। हाँ परसेंटेज। तो वहां परसेंट भी लगाओ। वेरी गुड बच्चा, गुड। सो ये थे श्रेयस, जिन्होंने सिखाया सिंपल एंड रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस किए अपन ने। तो ऐसे ही आप पढ़ने के लिए बने रहिए मिस्टर रमेश चंद्रा के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करो मैथ्स आर्क एजुकेशन को, हम लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो, है ना।